नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर की। बहुत ही जल्द विद्यालय को मिलने वाले हैं, जहां पे विद्यालय बहुत सारे नए विद्यालय खुल चुके हैं और बहुत सारे विद्यालयों में खाली पद हैं, वहां पे पद स्थापित होने वाले हैं, यानी अगस्त तक और सितम्बर तक स्कूल लेक्चरर मिलने वाले हैं। बात करेंगे स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2022 की। 15 विषयों की काउंसलिंग ऑफलाइन मोड पर करवाई जा रही है। आयोग द्वारा अगले 10 दिनों में 3000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और करेगा पूरी। अगले माह से आ सकते हैं परिणाम, यानी फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग चल रही है अलग अलग विषयों की, और अगले माह यानी अगस्त तक परिणाम, फाइनल परिणाम जारी कर दिया जाएगा। दो गुना अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी चल रही है। बात करते हैं डिटेल से। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर के 6000 पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। शेष बचे 3000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद आयोग परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, यानी अलग अलग विषय के फाइनल परिणाम जारी कर दिएगा। विभिन्न विषयों की काउंसलिंग में शामिल हो चुके अभ्यर्थियों को अब फाइनल परिणाम का इंतजार है, यानी बहुत सारे विषयों की काउंसलिंग हो चुकी है और कुछ विषयों की काउंसलिंग चल रही है, और विद्यार्थी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है वो अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद पात्रता जांच के लिए अलग अलग विषयों की विचारित सूचियां जारी की थी। इन विचारित सूचियों में शामिल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए कॉल किया जा रहा है, यानी दोगुना अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। आयोग द्वारा कुल 15 विषयों की काउंसलिंग ऑफलाइन मोड पर करवाई जा रही है। 15 विषय की ऑफलाइन, जिनकी संख्या अधिक है और जिनकी संख्या कम है, उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जा रही है। इनमें से अभी तक 10 विषयों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, शेष विषयों की जारी है। 300 अभ्यर्थियों की प्रतिदिन हो रही काउंसलिंग, आयोग द्वारा 26 जून से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। औसतन 300 अभ्यर्थियों को प्रतिदिन काउंसलिंग का शेड्यूल तैयार किया गया है। जिन विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है उनकी काउंसलिंग 2 से अधिक दिनों में भी कराई गई है। पहले दिन स्कूल लेक्चरर जीव विज्ञान के पदों की काउंसलिंग से शुरुआत की गई, और जीव विज्ञान में कुल अभ्यर्थी 330 थे, इसलिए 2 दिन लगे। कुछ बड़े विषय जैसे राजनीति विज्ञान और भूगोल आदि की काउंसलिंग 3 दिन से भी अधिक समय तक चली, यानी भूगोल और पॉलिटिकल में कैंडिडेट अधिक होने से 3 दिन से ज़्यादा इनकी काउंसलिंग चली थी, और आयोग में सप्ताह में 5 दिन काउंसलिंग चल रही है। अब तक 3871 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। आयोग ने 7000 से अधिक अभ्यर्थियों से भी आधों की काउंसलिंग करा ली है। शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जारी है। आयोग द्वारा स्कूल लेक्चर प्रतियोगी परीक्षा 2022 कुल 26 विषयों में स्कूल लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही। इनमें से 18 विषयों की काउंसलिंग ही अभी 28 जुलाई तक होगी। शेष बचे विषयों की काउंसलिंग का शेड्यूल आयोग अलग से जारी करेगा। इसमें सबसे बड़ा विषय हिंदी है, ऐसे में अभी अगस्त के महीने में चलेगी। इन विषयों की काउंसलिंग पूरी हो गई है, इसके उनके फाइनल परिणाम की प्रक्रिया जारी की जा सकती है। जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनके फाइनल परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। जिन विषयों में अभी कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं उन्हें काउंसलिंग का मौका देगा, यानी कुछ विषय में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं जिनको दोबारा भी अंतिम अवसर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जीव विज्ञान सहित इनकी हो चुकी है काउंसलिंग। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, और भूगोल की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। 5 विषयों की काउंसलिंग और होगी। आयोग द्वारा भूगोल की काउंसलिंग 19 जुलाई तक पूरी करा ली जाएगी। इसके बाद गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, कॉमर्स और इतिहास की काउंसलिंग होगी। आयोग ने इतिहास समेत अन्य विषयों के अभ्यर्थियों के काउंसलिंग लेटर जारी कर दिए हैं। इतिहास के अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर और जन्म दिनांक अपलोड कर काउंसलिंग लेटर प्राप्त कर सकते हैं। यानी अब इतिहास की प्रोसेस चलने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, बाकी विषयों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम परिणाम बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। खुशखबरी है, यानी जहाँ पे स्कूल लेक्चर के पद खाली है, फर्स्ट ग्रेड टीचर के पद खाली है, उन स्कूलों को बहुत ही जल्द यानी अगस्त महीने में स्कूल लेक्चरर मिलने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार खबर है। और फर्स्ट ग्रेड के जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था और जिनका सिलेक्शन हो चुका है और फाइनल सिलेक्शन भी जिनका होगा, उनको अग्रिम बधाइयां। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।